हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भी बहुत अच्छे। और अभी हम आए हैं बंगाल में, यानी कि अप्पी के घर पे। और यहाँ आए तो जाहिर सी बात है, मछली तो बनना ही है, तो आपको दिखाते हैं जो बन रहा है अभी। जो जो मछली, टेंगरा मछली है, बाटा मछली और गैंची मछली है, और इसमें है प्रॉन्स। अप्पी इसे वॉश करके फिर इसे अब फ्राई करने वाली है। तब तक हम यहाँ पे चावल भी बना रहे हैं। और यहाँ का व्यू हमें अच्छा लगता है, किचन से बाहर जो ग्रीनरी दिखती है। और यहाँ पे प्रॉन्स भी फ्राई हो रहे हैं। एंड देन प्रॉन्स बनाने का जो तरीका है ना अप्पी का, वो अलग होता है। जब इसका जो परवल होता है वो दूसरे तरीके से कटता है। इसकी रेसिपी हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं पहले, जो लोग नहीं देखे वो देख सकते हैं। और इसके मसाले में कैश्यू और एक दो चीज़ और डलती है, तो ये क्रीमी वाला अच्छा लगता है टेस्ट। वैसे तो हम खाते नहीं, बट अप्पी के बनाने की वजह से, इनका मेहनत देखने के वजह से, मेरा दिल बोलता है कि कोई इंसान इतना मेहनत किया है तो थोड़ा तो खा ही लेते हैं। और साथ में ही लाल साग भी बन रही थी, जो कि हमें तो बहुत पसंद है लाल साग खानी, तो वो भी बनी। एंड ये रहा लंच, जो कि बन चुकी है सारी आइटम्स। मोस्टली इसमें खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा सूट की है, तो शाम के टाइम में हम लोग यहाँ पे गप्पे सप्पे मार रहे हैं और साथ में चाय भी इंजॉय कर रहे हैं। रात में बनने वाली है बिरयानी, जिसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो रही है, जो कि हम प्याज ऑलरेडी छील के रख दिए और अप्पी कट किए, फिर आलू भी छील के कट कर दिए थे, और इसके बाद जो चावल वॉश करने की थी तो यहाँ पर हम वो भी कर रहे हैं। और फिर हमें मीठा खाने की थोड़ी क्रेविंग हुई, तो फिर हम खाए थोड़ी काजू कतली। कुछ चीज़ों को ना हाथ से पीसना ज़्यादा अप्पी लोग प्रेफर करती है, तो यहाँ पे वो पीसी एंड देन दही ऐड करी। हम रेसिपी इसलिए नहीं डाले क्योंकि बिरयानी की रेसिपी में ऑलरेडी बहुत बार सूट कर चुके हैं, तो इसीलिए। और फिर यहाँ पे हमारी कुछ अनकही बातें जो कि हम नहीं डाल सकते। एंड देन हम लोग शाम में मोमोज भी खाए, और फिर ये रही बिरयानी जो कि ऑलरेडी बनके कंप्लीट हो चुकी है। तो हम बोले भाई थोड़ा अच्छे से वीडियो बनाइए, अभी तो मेरी बना रही है। सर्व करने का काम हम कर रहे थे, तो नौसे भाई को सर्व किए और बोले कि टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है। और ये रही आम की चटनी, जो कि नौसे भाई का फेवरेट है, जो कि अप्पी ऑलरेडी बना चुकी थी। ये अलग बात है कि हम लोग ट्राई नहीं किए थे, बट लेकिन अब हम लोग करने वाले हैं। बोल तो दिए थे कि सब हम करेंगे, लेकिन इसे ना निकालते निकालते ये जो अंदर से मिक्स कर रहे थे ना, तब जा करके जो मेरी हलवा टाइट हो रही थी ना, लेकिन क्या कह सकते हैं, बट ठीक है कर लिए। और फिर मेरा भाई भी वीडियो कॉल पे था, तो उसे भी अप्पी दिखा रही थी बिरयानी को। शाम के टाइम में हम लोगों को काफ़ी कुछ लेना भी था, और फिर अप्पी बोली कि चलो यहाँ का कोलकाता बाज़ार तुम लोग को दिखाते हैं, और फिर हम लोग निकल लिए यहाँ से मार्केट की ओर। और यहाँ पे आने के बाद काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी, टॉप्स की, कुर्ती की, यानी कि इंडियन, वेस्टर्न, सारे टाइप की आपको ड्रेसेस मिल जाएंगी। और मेंस का भी कलेक्शंस अलग था, मतलब दूसरे साइड था, और इधर जो है ये इधर वुमेन का कलेक्शन था, तो हम तो जाहिर सी बात है इधर ही जाएंगे। और फिर यहाँ से हम और अप्पी लोग भी कुछ कुछ ट्राई किए थे एंड लिए भी थे, जो कि काफ़ी अच्छी लगी थी हम लोगों को। और बस और फिर अप्पी बताई कि यहाँ के ब्रेड पकौड़े अच्छे होते, जो कि टेस्ट वाइज वाकई में अच्छे थे। फिर हम लोग गए मियाँ आम और वहाँ से लिए दो तीन पेस्ट्री। और बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।